वेलकम टू ब्लॉग दोस्तों। तो दोस्तों आज की ये वीडियो उन सब बिगनर्स के लिए जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जो महीना जो जुलाई का चला है, जून जुलाई का जो महीना है, जिस वक्त सबके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम जो ट्वेल्थ के, आफ्टर ट्वेल्थ, आफ्टर जो ग्रेजुएशन पार्ट फर्स्ट कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम ख़त्म हुए होते हैं, इस वक्त काफ़ी रश जो आप देखते हैं आप हमारी जिम्स में मिलता है। जो जितने भी बच्चे जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, ये बात आप उन सब के लिए बहुत ही ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वो सब जिम कर रहे हैं, डट के जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनमें जो क्रेज़ है जिम के लिए, जो उनमें जो कहते हैं ना वो क्रेजीपन है बहुत ज़्यादा, कि मसल बनाने का बहुत ही क्रेजीपन है, बट उन सब के लिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या फ्रूट्स, जो इम्पोर्टेंट फ्रूट्स हैं जो मसल बिल्डिंग में काम आते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉप थ्री फ्रूट, जैसा कि आप ये इस जो वीडियो का टाइटल है टॉप थ्री फ्रूट्स फॉर मसल बिल्डिंग, तो ये जो फ्रूट्स कौन कौन से हैं जो टॉप मैंने यूज़ किए हैं, जो मेरी मेरी चॉइस किए हैं, तो वो जो फ्रूट्स हैं इस वीडियो में दिखाए। टॉप लिस्ट में जो मेरा सबसे पहला जो फ्रूट आएगा वो है बनाना। तो केला जो है इसमें साइज़ के अकॉर्डिंग, इसमें जो इसकी कैलोरीज और कार्ब्स पाए जाते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारा मसल बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्यूल है, जो प्रोटीन से भी हमको मसल बिल्डिंग में प्रोटीन से भी ज़्यादा चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स। जब हमारा प्रोग्राम मसल बिल्डिंग का होता है तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स की नीड्स प्रोटीन से भी ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो इजिली अवेलेबल हम इन द मार्केट वो है फ्रूट, वो है केला, जो हमें कहीं से भी मिल जाता है, कहीं भी इसको ज़्यादा हमको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी हर एक मार्केट में, हर हर शहर में मिल जाता है हमारे इंडिया में। तो पहला फ्रूट है केला, जिसमें हमें 25 से 27 ग्राम तक एक केले की, मीडियम साइज़ केले में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसके बाद जो दूसरा मेरा फ्रूट है जो मैं रिकमेंड करूँगा वो है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी इसमें भी आपको काफ़ी हद तक आपको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे। इसकी सर्विंग आपने इसको कहना है कि एक पाइनएप्पल ले लीजिए, इसको आप पोस्ट वर्कआउट में इस्तेमाल करिए, केले को आप प्री वर्कआउट में स्मूदी बनाकर, इसको बनाना शेक बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट में भी ले सकते हैं। प्री वर्कआउट जो होता है, मतलब एक्सरसाइज करने से, जिम जाने से पहले आपको घंटा एक पहले आप इस केले की स्मूदी को ले सकते हैं, जिसके साथ आप वाइट एग्स ले सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होगा आपको एनर्जी देगा जिम करने के लिए, और प्रोटीन्स आपको मसल ब्रेक की जो जो रिकवरीज करने के लिए आपको हेल्प करें। और पाइनएप्पल को आप चॉप कर लीजिए, स्लाइसेस कर लीजिए, और उसको पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। इसमें आपको विटामिन सी भी मिलेगा, जो इतनी गर्मी हमारे, अब आपको पता ही है जून जुलाई का महीना तो गर्मी तो पड़ेगी, तो इसमें आपको विटामिन सी भी मिलेगा जो हमारी गर्मियों में हमें एक इंसान की बॉडी को ज़रूरी है, और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी। और इसके बाद जो फ्रूट आता है वो मेरी लिस्ट में है मैंगो, फलों का राजा। फलों का राजा जिसे बोलते हैं, वो आम हमारे इंडिया में बेशुमार पाए जाते हैं, अलग अलग वैरायटी के आम पाए जाते हैं, तो इसके साइज़ के हिसाब से इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं। आप एक मीडियम साइज़ आम ले लीजिए, तो इसको भी मैं रिकमेंड करूँगा, बट इसमें लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ जिनको है, वो मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा, ये फ्रूट्स उनके लिए नहीं है, ना ही बनाना ना ही मैंगो, क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक फूड है, हाई ग्लाइसेमिक फ्रूट है ये, तो इस ये उनके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये उनके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ जो डायबिटिक पेशेंट है, प्लीज़ इस चीज़ को वो इग्नोर कर दें, इन फ्रूट्स को वो इग्नोर कर लें, तो ये वीडियो उनके लिए ही नहीं है। ये जो बिगनर्स, जो विदाउट डायबिटीज़, जिनके वो डायबिटीज़ की शिकायत नहीं है, ये फ्रूट्स उनके लिए हैं। तो तीसरे नंबर पे है मैंगो। तो मैंगो जो है ये भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स का भी अच्छी मात्रा में, रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, अच्छी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। इसका भी आप मैंगो शेक आप पी सकते हैं, आप रात में इसको एक स्मूदी मैंगो शेक बनाकर, जिसमें आप और भी अपनी तरह से, अपने तरीक़ों से इसकी रेसिपी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह से आपको मन हो, जैसे भी आपको ऐसे ही खाना हो तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, तो काफ़ी हद तक इसको आपको कार्बोहाइड्रेट्स दे मिलेगा, आपकी मसल बिल्डिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी मसल का साइज बना देंगे। अगर ये मेरे टॉप थ्री फ्रूट्स हैं, इसको आप अपनी डाइट में
कह रहे हैं डाइट में एड ऑन करिए तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं सबकी अलग अलग रिकमेंडेशन होती है। तो ये जो टॉप 3 फूड्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप अपनी डाइट में, अपनी न्यूट्रिशन में आप ऐड ऑन करिए, मसल बिल्डिंग प्लान में आप ऐड ऑन करिए, और उसके साथ साथ आप प्रोटीन जो ले रहे हैं वो लेते रहिए, वैसे ही चलते रहिए। दोस्तों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को बहुत ज़रूरी है। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो भी आपको कुछ वीडियोस के बारे में, आपको और वीडियोस चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में या एक्सरसाइज के बारे में आपको चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप नीचे लिख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं जो भी, जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए। तब तक के लिए आप प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।